इस समय मौजूद हैं सदर विधानसभा के क्षेत्र में, और हमारे साथ इस समय कार में सवार हो चुके हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार माधवेंद्र बहादुर सिंह उर्फ सोनू भैया। और आइए बात करेंगे अब की बार किसकी सरकार कार में सवार है उम्मीदवार। सबसे पहले तो सर यूपी टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार मुद्दा का चुनाव लड़ने का 2022 का, देखिए मुद्दा हमारा जो है सरकार जो हमारी मऊ में बनने जा रही है वो कांग्रेस की बनने जा रही है। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार की बात नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो मऊ का निर्माण हुआ वो कांग्रेस पार्टी कराया। जो कलेक्ट्रेट देखते हैं आप, जो कचहरी देखते हैं, जो विकास भवन देखते हैं, जो भी कुछ यहाँ पर दिख रहा है वो भौतिक रूप से जो दिखाई देता है वो कांग्रेस ने कराया। और लोग अभी जान चुके हैं कि जो भी कुछ निर्माण हुआ वो कांग्रेस के बाद जो जितने लोग एमपी बने, जितने लोग एमएलए बने, किसी ने कुछ नहीं किया, एक ईंट रखने का काम नहीं किया। तो लोगों ने अपना मन बनाया है कि यहाँ की सरकार फिर से कांग्रेस की सरकार होगी, मऊ की सरकार। आपने जैसा कहा कि कांग्रेस पार्टी ने, और सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी ने मऊ को पहचान दिया, मऊ का विकास दिया, मऊ को बनाया, मगर जैसे ही चुनाव आता है आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी हाशिए पे चली जाती है? लोग वोट क्यों नहीं करते? देखिए और जगह की बात मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं अपने सदर विधानसभा 356 की बात बता दूँ कि यहाँ पे हर मजहब बिरादरी से हम लोग हर जगह से लेकर के आ रहे हैं। आपको मैं बता दूं स्थिति ये बन चुकी है कि जैसे हमारा काफिला चलता है तो हमारे पास मतलब लोगों को बैठाने के लिए मतलब वो साधन कम पड़ जाते हैं। और आज जो माहौल है वो पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पे 356 विधानसभा क्षेत्र में बना हुआ है। चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे फॉरवर्ड हो, सारे लोग टूट करके कांग्रेस के साथ आ गए हैं। क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो धर्म मजहब की पार्टी नहीं है, वो सभी धर्म सभी मजहब की पार्टी है। बात कर लें यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं 5 बार के विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, आप उनके विजय रथ को कैसे रोकेंगे? क्या रणनीति है आपके पास? विजय रथ को मुझको नहीं रोकना है, उनसे जनता सवाल कर रही है कि पिछले 25 सालों का आप हिसाब बताइए, उसके बाद हम आपके साथ आएंगे। देखिए वोट लेना जातिगत समीकरण पर अलग बात है, लेकिन वो जो सोच और वो होने वाला नहीं है, वो भले से मान रहे लोग कुछ, लेकिन जनता के दिमाग में कुछ और चल रहा है और मिजाज लोगों का बदला। मैं पहले भी बताया हूँ, आज जो भी दिख रहा है, हम लोग पिछले सत्रह महीनों से संगठन के माध्यम से गांव गांव घर घर एक एक वोटर तक पहुँचने का काम किया। हम लोगों ने अपना फर्ज पूरा किया है, हम लोगों ने अपना दायित्व पूरा किया, हम लोगों ने अपना जितना कंपेनिंग किया था वो पूरा किया। हमको बहुत तसल्ली है और हम बहुत आराम से हैं कि हम जितना करना था उतना किए हैं और लोग ने मन बनाया है। और मेरे समझ से लोग बदलने वाले हैं इस बार। योगी जी की बात कर लें, अब हर जगह जहाँ जहाँ उनकी रैली हो रही है वहाँ पे बुलडोजर दिखाई दे रहे हैं। कल की बात कर लें, रैली मऊ में थी योगी जी की, वहाँ पे भी बुलडोजर था। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी जी की भी रैली थी। क्या लगता है बुलडोजर के आगे प्रियंका गांधी की कितनी आवाज़ उठ के आएगी सामने? नहीं नहीं, प्रियंका रैली था वो आपका फेफना में देखिए, इतना बड़ा जनसैलाब टूटा, उसका उनकी चार्म के आगे कोई नहीं है। देखिए अलग बात है, पार्टी सरकार में नहीं है चाहे जो भी कुछ है, लेकिन नेता प्रियंका जी जैसा कोई नहीं है। और मैं बता दूं कि भाजपा और चाहे जो भी हो, वो जो बात करती है वो मुद्दे पर बात नहीं करती, वो धर्म मजहब हिजाब खिताब इस पर बात करती है। और कांग्रेस जो है वो मुद्दों को पकड़ते हैं, मुद्दों पर बात करते हैं। और हम लोग भी इस बारे में विश्वास रखते हैं कि जो शिक्षा का मुद्दा है, जो स्वास्थ्य, जो सड़क का मुद्दा, जो भौतिक रूप से जो मुद्दे जनता के, उन पे बात करने की जरूरत है और हम लोग उसी पे बात करते हैं। सदर विधानसभा का चुनाव इस बार किस पे होगा? बुलडोजर पे होगा, विकास पे होगा, या फिर माफियाओं के खिलाफ होगा? देखिए इस बार जो सदर विधानसभा का जो काम होने जा रहा है, जो भी ये चुनाव होने जा रहा है, वो स्पष्ट रूप से जानिए ये होने जा रहा है कि यहाँ जो है जीतने के बाद जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में होना चाहिए। 5 साल उसको जनता की यहाँ की ज़रूरत है, ये लोगों को समझ भी रहे हैं और लोगों को समझना भी पड़ेगा। क्योंकि यहाँ जो नहीं रहने की वजह से जनप्रतिनिधियों के अफसरशाही इस विधानसभा क्षेत्र में, इस जनपद में हावी हो गई थी और हावी हो गई है, तो लोगों के दिमाग में बहुत गहराई से बसा हुआ है कि यहाँ जो भी जीते वो लोगों के बीच में जीतने के बाद रहे। क्या लगता है ऐसे लोगों को प्रतिनिधि बना देती है जो बीच में रहते हैं, समाज में बीच में घूमते हैं फिरते हैं, उनको वोट नहीं मिलता, और जो यहाँ के बाहर के रहते हैं उनको जनता चुनाव जिता देती है, इसका रीजन क्या रहा है? देखिए ऐसा है, बीच का दौर कुछ और था, लेकिन एक बात जानिए, संघर्ष
कड़ा होगा सफलता भी उतनी बड़ी होती है। और लोगों को हौसला नहीं हारना चाहिए। जो ऐसे व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व हैं, वो अपने प्रयासरत रहते हैं, अपना प्रयास करते रहते हैं और समाज में राजनैतिक रूप देने के लिए, देखिए हार जीत तो अपनी जगह पर है लेकिन लोगों की नीयत साफ होनी चाहिए। मैं ये जानता हूँ और ये मानता भी हूँ। बीजेपी उधर कह रही है कि सबका साथ सबका विकास किया है मैंने, गड्ढा सड़कें मुक्त हो चुकी हैं। क्षेत्र में आप घूम रहे होंगे, क्या तस्वीरें सामने निकल के आती हैं? आप साहब रतनपुरा भीमपुरा मोड़ से अगर छिछोर चले जाएंगे और आप सलामत चले जाएंगे तो मैं चैलेंज करता हूं, हम लोग उस मुद्दे पर किए हैं, प्रदर्शन किए हैं लेकिन कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ। ऐसा कई रोड में बता दूँ आपको, जो गाँव का अप्रोच मार्ग है वो टूटा हुआ है। और मैं आपको बता दूँ, आप करके देख लीजिए कि भीमपुरा मार्ग से, मतलब भीमपुरा रोड मोड़ से, रतनपुरा भीमपुरा मोड़ से अगर छिछोर आप सलामत पहुंच जाएंगे अगर मोटरसाइकिल से, तो मैं बता दूं कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और ये स्थिति है, रतनपुरा की जनता जानती है। आप अभी पिंडोहरी वाले बंधा पर चले जाइए, बंधा के किनारे किनारे टूट चुका है, कब कोई भयंकर एक्सीडेंट हो जाए ये कोई नहीं जानता। तो मैं तो यही कहूँगा कि देखिए लोगों को समझना पड़ेगा और लोग समझते भी हैं और लोग जानते हैं कि इस बार ज़रूरत है इस चीज़ की और इसी वजह से यहाँ कांग्रेस को वोट करने जा रहे हैं लोग। आप किस पार्टी से अपना टक्कर मान रहे हैं इस बार के चुनाव में? देखिए सही बात तो ये है कि हम लोग जो टक्कर मान रहे हैं वो अगर सही में जेन्युइन बात कर लिया जाए तो हम लोग इस समय भारतीय समाज पार्टी से कोशिश कर रहे हैं, वो जो गठबंधन है हम लोग और दूसरा कोई कहीं कोई दिख नहीं रहा है। क्योंकि जो जो स्थिति बन रही है और जो इतना मैं घूमने के बाद जो मैं समीकरण समझ पाया हूँ वो यही है कि यही दोनों लोग लड़ रहे हैं और कहीं कोई कोई कुछ है नहीं। मैं स्पष्ट रूप से ये जान गया हूँ। क्या लगता है, अंसारी को मसीहा कहते हैं, कुछ लोग उनको माफिया कहते हैं, कुछ लोग उनको बाहुबली कहते हैं और उनके खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं। खैर अब्बास अंसारी का भी पहला चुनाव है और आपका भी पहला चुनाव है, ये क्या रणनीति है उस प्रत्याशी के खिलाफ आपकी? देखिए हम लोग की रणनीति का जो नियत है बहुत साफ है। हम लोग जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं और हम लोग लोगों के प्रति जवाबदेह हैं, तो इसलिए हम लोग लोगों से नज़र नहीं चुरा सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने जो भी तैयारी की है अपने संगठन के माध्यम से पहले से की है, 17 महीने पहले से हम लोग डोर टू डोर अप्रोच करने का काम किया। अब आगे का काम हमने अपना काम पूरा कर लिया, अब आगे काम जनता के हाथ में। और मैं जानता हूँ जब अपना काम पूरा आवाज़ दे तो लगता, जब अपना काम पूरा आवाज देने लगता है तो मुकाम हासिल होती है। मैं क्या लगता है, हम पूर्वांचल बेल्ट में है, जिस बेल्ट में आते हैं यहाँ पे जातिगत हावी है, जातिवाद बहुत हावी है, इस चीज से कैसे निपटेंगे आप, क्या रणनीति है आपकी? देखिए जातिवाद जो हावी है तो मुझे लगता है कि इस बार की सरकार, मतलब लखनऊ की सरकार बनाने में और विधानसभा सभाओं में तो हम लोग नहीं जा रहे हैं, आप लोग जा रहे हैं तो वहाँ की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस बार मऊ की जो स्थानीय सोच रही है और मऊ का जो विकसित रूप बना है वो कांग्रेस के माध्यम से बना है और लोगों ने फिर 25 साल बाद वापस आना शुरू किया है। और मैं जानता हूं कि इस बार मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का परचम लहराएगा। क्या लगता है, इस बार अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, मौका मिलता है आपको सदन में जाने का, ऐसा क्या कुछ अलग करना चाहेंगे मऊ के लिए आप? देखिए सबसे पहले रोजगार की बात होनी चाहिए, जो युवा होते हैं वो कुंठित ना हो और जो यहाँ का रोजगार सृजन सबसे ज़्यादा होता है वो बुनकरी के माध्यम से होता है और उसमें बहुत सारे हिंदू लोग बहुत सारे मुस्लिम लोग लगे रहते हैं। और मैं बता दूं कि यहाँ की जो समस्या है वो सबसे पहले मैं मुझको जो उठाना है वो बुनकरों की आवाज़, जो कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी शामिल किया है कि फ्लैट रेट पर हम बिजली देंगे और जो कमज़ोर बुनकरी है उसको हम भत्ता भी देंगे। तो इस वजह से बुनकर भी बहुत उत्साहित है और यहाँ का समाज मिला जुला है, यहाँ बुनकरी का समाज है और किसानी का समाज है और दोनों के लिए कांग्रेस एक बड़ा मुद्दा है। मतलब कांग्रेस ने इनके मुद्दों पे बहुत काम किया है, आप ही समझिए। दल की बात, दूसरे दल के नेताओं की भी हम बात थोड़ा सा जरूर करेंगे। जब भी चुनाव आता है तो शुरुआत करते हैं, भाषण तो देना शुरुआत करते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी के नेता स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी से ही शुरू करते हैं, पर मऊ को बनाने में वो काम नहीं करते हैं, बस नाम लेते हैं। इस बार आप क्या करेंगे कुछ अलग? देखिए मैं जो अलग करूंगा वो मैं पहले ही बताया हूं आपको, वो कोई कुछ किया, कोई कल्पनाथ राय से अलग होकर के लड़ ही नहीं सकता। हम लोग तो उनको मान लीजिए कि मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है पर्दे के पीछे से इस मऊ जनपद के निर्माण में और मऊ जनपद के निर्माण में और विकास में और हमारे रतनपुरा विकासखंड के निर्माण में और विकास में। तो मैं ये जानता हूँ कि लोग ये समझते हैं और मैं जो अलग करूँगा आपको पहले बताया हूँ कि लोगों के बीच में अगर आप जीतने के बाद जनप्रतिनिधि है तो लोगों की आधी समस्याएँ अपने आप ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि उनका वो पैरवी चाहे कहीं भी किसी माध्यम से
वो जो अफसरशाही है वो ख़त्म हो जाएगी और लोगों की जो समस्याएं हैं स्थानीय वो कम हो जाएंगे। क्या लगता है रहा है चुनाव जीतने के बाद प्रतिनिधि जनता के बीच से दूर हो जाते हैं, क्या है, क्यों ऐसा क्यों करते हैं वो? देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये वजह तो है कि सामाजिक जो प्रारूप बना हुआ है और जो उसमें चलने का एक वो है तो कठिन काम, लेकिन पहले के लोगों का नज़ीर उठाइए। हम बताते हैं ऐसे ऐसे विधायक ऐसे ऐसे मंत्री रहे हैं जिनका लोग नाम लेते हैं और नाम लेते थकते नहीं हैं, तो हम लोगों ने उनको ही अपना आदर्श माना है। गौरी भैया थे हमारे, लोगों के बीच में ही रहते रहते और लगातार विधायक रहते थे, ऐसे मतलब कई लोग हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग के आदर्श वही लोग हैं और हम लोग लोगों के बीच में रहने वाले हैं, हमारा उद्देश्य भी लोगों के बीच में रहना ही है जीतने के बाद। गैंगवार गुर्गे मऊ में बहुत ज़्यादा थी, एक समय भी था, देखा भी गया था, इस चीज़ को कैसे अलग दिखाएंगे आप, कैसे अलग बताएंगे इस चीज़ से आप? देखिए ये जो चीज़ें हैं गैंगवार गुंडा, और आप याद करिए कल्पनाथ राय जी का ज़माना था, कांग्रेस का ज़माना था, और कभी ऐसा थोड़ा सा एक घटना हुआ था, चार पाँच सात दिन के अंदर सारा उन्होंने शांत करवा दिया सारा चीज़ आप लोगों को, चूँकि मैं खुल करके बहुत इस बात पे नहीं आऊँगा और लोग जानते हैं कि जैसे ही कोई ऐसा कदम उठा था उन्होंने सब कुछ ख़त्म करा दिया था तुरंत, उसके बाद कोई हिम्मत ही नहीं किया यहाँ कोई ऐसा काम करने का। तो अगर कांग्रेस की सरकार आती तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ना गैंगवार होगा, ना गुंडागर्दी रहेगी और ना कुछ ऐसा कुछ होगा। योगी बाबा खुलेआम मन से बोल रहे हैं बुलडोजर 10 तारीख के बाद चलने लगेगा, इसका चुनाव पे कितना असर पड़ेगा और कैसे लेते हैं आप, एक प्रत्याशी हैं? देखिए मैं तो पहले ही बताया हूँ कि जो कांग्रेस के मुद्दे हैं वो स्पष्ट है, वो विकास के मुद्दों पर अपना काम करती है, और आप ये जानिए कि जो हमने बताया कि भाजपा के जो मुद्दे हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई हैं, जो दिखाई नहीं देते मुद्दे वही हैं, धर्म के हैं, मजहब के, मंदिर के हैं और ये सब चीज़ें। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए प्रदेश में क्या हो रहा है मुझको स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमारे 356 सदर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का परचम लहराने जा रहा है, ये स्पष्ट रूप से मैं आज आपको बता सकता हूँ। क्या मैसेज देना चाहेंगे सदर विधानसभा की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि मुझको आप मैसेज देने के लिए कहे हैं, मैं सबसे बड़ा मैसेज यही देना चाहूँगा कि आप लोग वापस इस विधानसभा में, इस जनपद में कांग्रेस में आइए, क्योंकि आप यकीन रखिए कि जो भी कुछ एक एक ईंट रखा गया है वो कांग्रेस के माध्यम से रखा गया। जब जिला बना नहीं तो हम लोग को यहाँ के मऊ के लोगों को आजमगढ़ जिला कचहरी में जाना पड़ता था, जिला के वजह से इतना सारा रोज़गार आसपास के लोगों को मिला, तुरंत जा कर के वो लोग शहर में कुछ भी कमा करके वापस आ जाते हैं। आप यकीन जानिए कि ये दूसरा कोई काम नहीं करा सकता है, आप फिर से इस जनपद में कांग्रेस की सरकार लाइए और आपको फिर से विश्वास रखना पड़ेगा, फिर से परचम जो है विकास का लहराएगा इस मऊ जनपद में। तो इस तरह हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी माधवेंद्र बहादुर सिंह जी, और जिस तरह से इन्होंने कहा है कि अगर मऊ का विकास कांग्रेस पार्टी को वोट करें, अब देखना ये कितना वोट करती है और किसको अपना प्रतिनिधि बनाती है। हमारे साथ कार में सवार थे उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के माधवेंद्र बहादुर सिंह।